HTML में हम लेबल एलिमेंट का एक प्रोग्राम देखेंगे और इसे रन करा के देखेंगे और इसके बहुत अच्छे फीचर्स हम कह सकते हैं वो हैं। तो यहाँ पर ये राइट साइड में कोड है और लेफ्ट साइड में एक फर्स्ट इंटरफेस है जो कि आपको दिख रहा है। उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं बताना चाहेंगे कि आपने देखा होगा कि जो भी ये क्लिक बटन का हम इस्तेमाल करते हैं जो कि सबमिट आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि अगर हम एक दो प्रोग्राम अगर आपने रन करें हो शुरुआत के, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है, तो अगर वहाँ पर आप डिटेल्स जैसे कि आप ऑनलाइन भी मेल फीमेल या फिर कॉलेज या कुछ भी एटसेट्रा हम कह दें उनका इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम मेल फीमेल मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लिक किया, तो अगर हम उसे सबमिट करते हैं एम्प्टी फाइल खुल के मतलब फाइल इज़ नॉट फाउंड, इस तरह से एक एरर शो होती है आपको। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ फाइनल आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने फीमेल देन ये चीज़ सबमिट कर दी, तो ये वीडियो यहाँ पर प्ले हो रहा है। मैंने सिस्टम साउंड ऑफ की हुई है इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो इस तरह से। तो ये हो कैसे रहा है, वरना होता क्या है कि एक एम्प्टी फाइल क्या मतलब फाइल इज़ नॉट फाउंड एक एरर आती है। और साथ ही साथ हम और भी चीज़ें करके देखेंगे, यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर मैं आपको ख़ास चीज़ जो बताना चाहते हैं वो ये है कि ये जो हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे लेबल लेबल की जो कोडिंग है वो यहाँ पर है इतने पोर्शन में है। तो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है लेबल में क्या है, हम लेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि मेल और फिर फीमेल या अदर, इस तरह से जो चीज़ें आएंगी। उसके बाद इनपुट, इनपुट में हम कुछ भी चीज़ें देंगे, इनपुट अपनी तरफ से जो आप क्लिक करेंगे तो एक हाईलाइट सा हो जाता है, जैसे मेल पे क्लिक किया ब्लू ब्लू सा हुआ था, आपने देखा भी होगा। लेकिन ख़ास चीज़ जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फाइल इज़ नॉट फाउंड वो एक एरर होती है, तो उसके बदले जो हम यहाँ पर अभी वीडियो हमने देखी या फिर आप कोई भी चीज़ यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई फाइल हो या कुछ भी है, लेकिन फ़िलहाल हमने यहाँ पे वीडियो लगाई है जो कि आपने देख ली। और मैं आपको यहाँ पे एक दो चीज़ें और करके बताएंगे जैसे कि ऑडियो लगाना या फिर इमेज लगाना। कुल मिला के जो मैं बताना चाह रहे हैं वो ये है कि जैसे आप कोई भी प्रोसीजर फॉलो करते हैं पूरे डिटेल भरने का, तो एक नया पेज खुल के आता है, वो नए पेज पर आप रिडायरेक्ट होते हो। तो वही मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे और एक नई जगह रिडायरेक्ट होंगे, जैसे कि आप वीडियो पे हुए थे। तो यहाँ पर हमने वीडियो लगाई थी, हम यहाँ पे फोटो फ़ोटो से पहले MP3 को म्यूज़िक लगा के देखते हैं जो कि प्ले होगा। तो मैंने यहाँ पे सॉन्ग का नाम डाला, इसे कंट्रोलर से सेव कर दिया, यहाँ से इसे रिफ्रेश कर देंगे। तो फीमेल मैंने फिर से चूज़ किया और गाना, शायद आपको आवाज़ नहीं आई, वजह यह कि मैंने सिस्टम से साउंड बंद की हुई है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जो तीसरी चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं, फोटो, एक सेकंड, क्योंकि मैंने इसे रिफ्रेश नहीं किया इस वजह से अब नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़ोटो आ गया है। तो हमने तीनों चीज़ें लगा के देखी, चाहे वो वीडियो हो MP3 हो फोटो हो, तो ये तीनों चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं। एक ख़ास चीज़ जो मैं बताना चाहेंगी वो ये है कि तब आप वीडियो ऑडियो या फिर कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें प्रोग्राम में, तो आप की सही चीज़ होने के बाद भी एरर आती है। उसकी वजह ये है कि उसका फॉर्मेट सही नहीं डालते होगे। जैसे कि अगर बात करें वीडियो की, तो वहाँ पर आपने देखा होगा मैंने वीडियो के नाम के बाद MP4 जो एक्सटेंशन लिया था, वहाँ पर हम मैंने फॉर्मेट दिया था जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ही अगर MP3 ऑडियो के लिए हो गया, लेकिन फ़ोटो में थोड़ी सी दिक्कत आती है। मान लीजिए कि आपने फ़ोटो का नाम डाला और JPG लिख दिया, और आप जब उसे रन करेंगे तो वो नहीं खुलेगा, तो आप सोचेंगे क्या दिक्कत है, शायद प्रोग्राम चेक करोगे। तो दिक्कत ये होती है आप JPEG
मान लीजिए आपने फ़ोटो इस्तेमाल करा है और वहाँ पर आपने JPG डाल दिया है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि मैं अब यहाँ पर आपको बता दें कि फ़िलहाल HTML फोल्डर में यहाँ पे खोलते हैं, तो जो भी चीज़ आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करें वो आपके HTML के फोल्डर में होना बहुत ज़रूरी है। तो ऊपर की तरफ अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये PNG फाइल है तो एक फ़ोटो, और यहाँ पे JPJ फ़ोटो भी है जो बॉल का है, जहाँ पर मेरा कर्सर है वहाँ पर ध्यान देते जाइए, और JPEG फाइल। तो जब आप फ़ोटो इस्तेमाल करें तो ये चीज़ ध्यान रखें कि जो आपकी फ़ाइल है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या है, उसी एक्सटेंशन को आप वहाँ पर डालें। तो यहाँ से मैंने ये सब चीज़ें डाली हैं। तो एक आखिरी चीज़ देखते हैं कि मान लीजिए कोई प्रोग्राम डाल के देखते हैं, प्रोग्राम का नाम, और देखते हैं वो चलता है या नहीं। HTML इमोजी सेव किया, बैक जाते हैं, रिफ्रेश, फिर से फीमेल, देन सबमिट। वाह ग्रेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी चीज़ें मैंने डाली यहाँ पे, चार चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे डेमो करके दिखाई हैं। तो ये एक फाइल है जो कि खुल गई है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो भी एक प्रोसेसर पूरा करने के बाद एक नए पेज पे ले जा रहा है, लेकिन आपको खाली नहीं छोड़ रहा है, वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें दे रहा है जो कि आपने दी हुई हैं। अभी आपको देना कैसे है ये मैं यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं फॉर्म एक्शन, जैसे कि आप ऑनलाइन कोई भी फॉर्म भरते हैं आपको पता ही होगा फॉर्म, तो यहाँ पर वही चीज़ है। फॉर्म एक्शन से मतलब है जब आपका पूरा ये सबमिट तब का प्रोसीजर पूरा हो जाएगा, उसके बाद HTML का ये सबमिट करने के बाद आपको ये फॉर्म है, फॉर्म एक्शन है जहाँ पर मैंने फाइल का नाम दिया हुआ है, उसके बाद आपको ये नीचे बंद कर देना है। ये यही वो लाइन है जिसकी मदद से आप कोई भी फाइल डाल सकते हैं, फाइल में चाहे वो कोई प्रोग्राम हो, प्रोग्राम फाइल हो, HTML हो, वीडियो, ऑडियो, फ़ोटो, इन तीनों में से कोई भी, मतलब तीन चार चीज़ों में से कुछ भी हो, आप इस तरह से रन करा सकते हैं। उसके बाद ये जो लेबल और इनपुट, ये लेबल वही है मेल फीमेल इस तरह की चीज़ों के लिए, और इनपुट, इनपुट में आप मेल फीमेल अगर सब क्लिक करते हैं तो वो हाईलाइट हो जाता है, यानी कि हम इनपुट दे रहे हैं तो उसके लिए। और ये जो प्रोग्राम है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।